हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोटिवेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं खिरोद आज आपको बताने जा रहा हूँ, इनफोकस का जो विज़न 3 लॉन्च हुआ था अभी 3 दिन पहले, वो मैंने ऑर्डर किया था, वो आज आ गया है। ये देखिए, ये उसका पूरा का पूरा पैकेज है और ये अभी अभी मुझे मिला है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो पहले हम इसको यहाँ से काट ही लेते हैं। ये है दोस्तों, इसका बिल है जो अमेजोन की तरफ से आया था, और ये पूरी की पूरी पैकेट है। ये देखिए, साइड में इनफोकस लिखा हुआ है, यहाँ पे सील है, फ्रंट आपको ऐसे दिख जाएगा, ऊपर इनफोकस का लोगो दी गई है और यहाँ पे विजन 3 लिखा गया है। ये आप देखिए 18:9 रेशियो में ये बना गया है, 18:9 में। ये आपका मिल गया इनफोकस विजन 3 मिडनाइट ब्लैक, इधर भी आपका इनविजन लिखा हुआ है, इनफोकस का लोगो है, ऊपर आपका चार वैल्यू वगैरह सारा लिखी हुई है। इसका प्राइस लिखा गया 7999 और 7699 पे मुझे मिल गया लगभग 7000 में। और ये दोस्तों ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, ये इंडिया में असेंबल्ड किया गया है, बना नहीं है, सिर्फ असेंबल किया है। पीछे देखते हैं दोस्तों, देखिए इनफोकस विजन 3 यहाँ पे 5.7 इंच का HD+ 1 सेल डिस्प्ले दिया गया है, 18:9 फुल विजन डिस्प्ले है, सुपर स्क्रीन रेशियो है, पीछे 2 कैमरा है, 13+5 डुअल रेयर कैमरा है, 4000 mAh बिग बैटरी है और फ्रंट में 8 MP कैमरा दिया गया है विथ ब्यूटिफिकेशन मोड। आजकल तो सारे में ब्यूटिफिकेशन मोड देते हैं। ये कुछ IMEI नंबर है मेरा और ये सार वैल्यू वगैरह दी गई है बॉडी और हेड के लिए। ये 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आ रहा था। यहाँ पे कुछ स्पेशल यहाँ पे भी लिखा गया मेड इन इंडिया। तो चलिए अभी इसका सील को हम ओपन कर देते हैं। ये आ गया दोस्तों आपका इनफोकस 3। ये फोन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या दिया गया है। जैसे नॉर्मली होता है दोस्तों, ये कुछ गाइड मैनुअल है जो कोई नहीं पढ़ता, ये वारंटी कार्ड है जो कोई नहीं देखता, ये है उसका केबल, USB टाइप है, और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये USB टू माइक्रो USB है, ये दिख रहे हैं आपको, ये रख लेते हैं। ये सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है और ये आपका चार्जर है। चार्जर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनफोकस की ब्रांडिंग है, इंडियन चार्जर है और ये आपका 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का है, स्लो चार्जर है दोस्तों, बट कोई इशू नहीं है, 7000 में स्लो चार्जर ही आपको मिलेगा। और तो कुछ है नहीं इसमें, डब्बे को साइड में रख देते हैं। अब फ़ोन के ऊपर आते हैं, ये मैं फ़ोन को ओपन कर रहा हूँ, फ़ोन पे भी एक छिलका लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर लगा गया है, इनिशियली तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसके वॉल्यूम अप डाउन के लिए दिया गया है और स्क्रीन पे भी सारे के सारे लिखा गया है, जो जो यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, पीछे यहाँ पे आप देख लीजिए डुअल कैमरा है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पे एक पॉलीथीन है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सिम कार्ड ट्रे, पावर बटन और वगैरह वगैरह, यहाँ पे लिखा गया है वॉल्यूम बटन। पीछे की तरफ दोस्तों ये देखिए USB माइक्रो USB और माइक है। ऊपर की तरफ आपका 3.5 mm जाके नॉइज कैंसलेशन का मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे है, और यहाँ पे सिंगल LED फ्लैश दिया गया है। अब इसके छिलके को हम निकाल देते हैं। पीछे भी एक छिलका है, इसको मैं निकालता हूँ। Falling in September.
ये स्माइल UX इनका इन्फोकस का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिनिश कर दिया। ये आ गया दोस्तों आपके फ़ोन, देखिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, अलाउ। ये ऐसे कुछ निकल के आ रहा है इसका फर्स्ट जो आपका लुक है, देखिए बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। शायद इसका ब्राइटनेस और है, मैं थोड़ा और ब्राइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाए। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह ये देख रहे हैं आप। अब चलते हैं दोस्तों हम सेटिंग के ऊपर। ये मैं सेटिंग पे आ गया, सेटिंग पे सारे के सारे सेटिंग दी गई है, जैसे ब्लूटूथ सिम कार्ड मोड, डिस्प्ले साउंड, एप्लीकेशन स्टेटस बार, स्पेशल सेटिंग, बूस्ट, सॉफ्ट की सेटिंग, ये सारे मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें मॉडल नंबर ये है, 4 कोर है, 2 GB है, 16 GB इंटरनल मेमोरी, इसमें क्या क्या है। जैसे सिस्टम अपडेट पहले चेक कर लेते हैं, अगर कोई सिस्टम अपडेट आया है तो इसको अपडेट कर देते हैं। ये कह रहा है कि लेटेस्ट वर्जन है, अभी फ़िलहाल कोई सिस्टम अपडेट आपको नहीं दिया जाएगा भाई साहब, इसमें काम चलाओ। अब आते हैं अबाउट फ़ोन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अबाउट फ़ोन पे मॉडल नंबर ये दिया गया है IF9031, प्रोसेसर 4 कोर है, मेमोरी 2 GB है, स्टोरेज 16 GB है और ये एंड्रॉयड नूगट के साथ चल रहा है। आगे आपको अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। लोकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सेटिंग पे आके ये सारे आप कर सकते हो। स्किन पिनिंग, स्टोरेज, स्टोरेज में ये देखो सर अवेलेबल 9 GB है, 16 GB में से सिर्फ 9 GB आपको अवेलेबल मिलता है, तो लगभग आपका 7 GB इनिशियल बूट में फिनिश है। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग था, मैं आपकी इसकी आपको इसकी डिटेल रिव्यू दूंगा। आपको आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इसके अनबॉक्सिंग आपको कैसे लगा, और अगर आपको और कुछ जानना है या कैमरा रिव्यू जानना है या फ़ोन के परफॉर्मेंस जानना है तो सारा का सारा मैं और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही।